द विचर के एपिसोड 1 में हमने दो कैरेक्टर्स की दो अलग अलग टाइमलाइन देखी, जिसमें विचर जिस टाइमलाइन में है वो पास्ट का टाइम है। विचर ने रेनफ्री को मार दिया है, जिसके वजह से उसे गांव से निकाला जाता है। पर रेनफ्री मरने से पहले विचर की भविष्यवाणी करती है कि उसे जंगल वाली लड़की से मिलना होगा। वही दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में रानी कैलेंथ का पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया है। उन पे निल्फगार्ड के राज्य का हमला हुआ था, जिसमें रानी कैलेंथ के साथ सिंट्रा के लोग मारे गए थे। बस राजकुमारी सीरी अपने पावर्स का यूज करके वहां से जंगल की ओर भाग गई थी। राजकुमारी सीरी को भी बताया गया है कि उसे गेराल्ट यानी द विचर को ढूंढना होगा और यही उसकी डेस्टिनी है। तो यहाँ से एपिसोड 2 की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है 4 मार्क्स। एपिसोड की शुरुआत में हमें इस सीजन की तीसरी मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है, जिसका नाम है येनिफर। येनिफर की टाइमलाइन गेराल्ट के भी पीछे चल रही है। हमने अभी तक 3 टाइमलाइंस के 3 अलग अलग कैरेक्टर्स को देखा है, जिसमें से सीरी की टाइमलाइन प्रेजेंट में चल रही है। उसके पीछे गेराल्ट की स्टोरी चालू है और उसके भी पीछे येनिफर की कहानी शुरू होने जा रही है। येनिफर का बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा अलग था, जिसके वजह से उसी के गांव के कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। येनिफर को गुस्सा आ रहा था, जिसके वजह से वो अनकॉन्शियसली अपने पावर्स को यूज करती है, जिसके वजह से एक पोर्टल बनता है और येनिफर एक दूसरे जगह टेलीपोर्ट हो जाती है। यह येनिफर को एक इंसान मिलता है जिसका नाम एस्ट्रिड होता है, और एस्ट्रिड कहता है कि ये जगह एक मैजिकल स्कूल है जहाँ बच्चों को मैजिक सिखाया जाता है। इस जगह का नाम आर्तुजा है, जिसके प्रिंसिपल येनिफर को ढूंढने जरूर आएगी। इसीलिए एस्ट्रिड येनिफर को एक दूसरा पोर्टल बना के वापस अपने घर भेज देता है। घर पहुंचने पर येनिफर को ढूंढते हुए एक औरत आती है, जो कि उस मैजिकल स्कूल की प्रिंसिपल है, जिसका नाम टसाया है। अनजाने में येनिफर ने अपनी पावर्स को यूज किया था और ऐसे ही लड़कियों को टसाया ट्रेस करके उन्हें खरीद लेती है। टसाया येनिफर के पिता से येनिफर की कीमत पूछती है, जिस पर उसके पिता 4 मार्क्स यानी 4 कॉइन्स के बदले में अपनी बेटी को बेच देते हैं। येनिफर को उसी मैजिकल स्कूल यानी आर्तुजा में लाया जाता है और वह उसे एक कमरे में बंद किया जाता है। येनिफर को अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके फैमिली वालों ने इतनी इजीली उसे बेच दिया। येनिफर को अब खुद पे गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने सामने रखे मिरर को तोड़ देती है और उसी के पीसेस से अपने हाथ के नस को काट लेती है। पर जब येनिफर आंखें खोलती है तो देखती है कि टसाया यानी स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे बचा लिया है। येनिफर एक रूम में जाती है जहाँ स्कूल के बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो सबके सब लड़कियाँ थी। टसाया सबको समझाती है कि जिस मैजिक को वो लोग यूज करने वाले हैं उसका नाम केओस मैजिक है, जिसे अच्छे से हैंडल करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल और बैलेंस को सीखना होगा। उनका पहला टास्क ये था कि टेबल पर रखे गए स्टोन को हवा में फ्लोट कराना। उन सब में से एक ही लड़की थी जो ये काम कर लेती है, पर अचानक से उसका हाथ काला होने लगता है। टसाया बताती है कि केओस मैजिक को यूज करने के लिए उन्हें अपनी एक चीज की कुर्बानी देनी होगी। टसाया अपने एक हाथ में फ्लावर को पकड़कर स्टोन को हवा में फ्लोट कराती है और वो फ्लावर्स मरने लगते हैं। टसाया ने केओस मैजिक को यूज करने के लिए फ्लावर्स की कुर्बानी दी और वैसे ही वो लड़कियों को भी फॉलो करने के लिए कहती है। बहुत कोशिश के बाद भी येनिफर से ये टास्क पूरा नहीं हो पा रहा था। येनिफर अपसेट थी और उसके साथ बोलने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो एस्ट्रिड के पास जाती है, जो इसी स्कूल में काम किया करता था। इसके बाद येनिफर का दूसरा टास्क होता है अपने सामने वाले पार्टनर के माइंड को रीड करना, पर येनिफर से ये भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो टिसाया से झूठ बोलती है कि उसने माइंड रीड कर लिया है। टिसाया को पता था कि येनिफर झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे चीटिंग करने के लिए चिल्लाती है। येनिफर वापस अपनी कहानी जाके एस्ट्रिड को सुनाती है कि उसे एक भी मैजिक अच्छे से करने नहीं हो पा रहा है। एस्ट्रिड को पता था कि येनिफर सिर्फ कंफर्टेबल नहीं है, जिसके वजह से उसे मैजिक करने में दिक्कत हो रही है। इस बार एस्ट्रिड उसे अपना माइंड रीड करने के लिए बोलता है और येनिफर इस बार आसानी से एस्ट्रिड के दिमाग में क्या चल रहा है ये क्लियरली देख पा रही थी। दूसरे सीन में स्कूल प्रिंसिपल टसाया अपने स्टूडेंट्स को एक रूम में लेके आती है जहाँ पर बिजली गिर रही थी। टसाया सबसे कहती है कि आज के टास्क में तुम्हें इस बिजली को इस ग्लास के बॉटल में बंद करना होगा। कुछ लड़कियां इस टास्क में फेल हो जाती है और कुछ बुरी तरह से इंजर्ड भी हो जाती है। जब येनिफर की बारी आती है तो वो भी इस टास्क में फेल होकर बिजली की वजह से बहुत दूर जाके गिरती है। पर उसी वक्त हमें येनिफर की पावर का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि वो गुस्से में अपने पावर से उस बिजली को अपने पास बुलाती है, पर टसाया उसे ऐसा करने से रोकती है। टास्क खत्म होने के बाद टसाया समझाती है कि केओस मैजिक को यूज़ करने का पहला रूल है कि मैजिशियन को अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। येनिफर से जब टास्क पूरा नहीं हुआ तो वो गुस्से में आके बिजली को पास ऑन कर रही थी, जिसके वजह से सारे लोग खतरे में पड़ सकते थे।
सीन कट होता है और येनिफर वापस अपने दोस्त स्ट्रेट से मिलने जाती है और कहती है कि उनके रिलेशन के बारे में स्कूल प्रिंसिपल टिसाय को पता चल गया है और वो मुझे वापस घर भेजने वाली है। स्ट्रेट येनिफर को भरोसा देता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग वापस मिलेंगे। यही बातें चलते वक्त स्ट्रेट स्कूल जिसका नाम आर्तुजा है उसके हिस्ट्री के बारे में बताता है। स्ट्रेट के हिसाब से ये स्कूल एल्फ लोगों ने बनाया था जो कि इस धरती के पहले मैजिशियन थे। एल्फ एक ऐसे टाइप के लोग थे जिनके पास ओरिजिनली ये मैजिकल पावर्स थी पर बाद में उन्होंने ये पावर्स को ह्यूमंस के साथ शेयर किया। पावर्स मिलने के बाद ह्यूमंस ने एल्फ की सारी प्रजाति को ख़त्म करने का सोचा ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसा लगे कि ये मैजिकल पावर्स ह्यूमंस में पहले से थी। ह्यूमंस ने बड़ी तादाद में एल्फ लोगों की हत्या की और उन्हीं के स्केलेटन्स इस जगह पर लगे हुए हैं। स्ट्रेट इसके बाद एक बहुत ही रेयर फ्लावर को निकालता है जिसके हेल्प से येनिफर एक पोर्टल बनाती है। ये पोर्टल को देख के स्ट्रेट शॉक हो जाता है क्योंकि कई सालों के ट्रेनिंग के बाद भी ऐसा पोर्टल उसके लिए बनाना ईजी नहीं था पर येनिफर ने पहले बार में ही इस पोर्टल को बना दिया। येनिफर भी यह अपना सच बताती है कि वो भी एक एल्फ की लड़की है और उसके असली डैड एक एल्फ थे और उसकी माँ एक ह्यूमन थी। एल्फ और ह्यूमन के मिलन की वजह से येनिफर की बॉडी इस तरह डिफॉर्म हो गई थी और इसीलिए वो खुद को श्रापित मानती है। दोनों फिर यहाँ थोड़े इमोशनल होते हैं और फिर किस करने लगते हैं। येनिफर वापस अपने प्रिंसिपल टिसाय के पास जाती है जिसे हमें ये समझता है कि स्ट्रेट से मिलना येनिफर का एक टास्क था ताकि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके और येनिफर इस टेस्ट में पास हो गई। दूसरी ओर हमें स्ट्रेट दिखता है जो एक आदमी के सामने खड़ा था और बताता है कि येनिफर के अंदर एल्फ का खून है। स्ट्रेट के सामने जो आदमी खड़ा था वो यंग स्ट्रेगबोर है जिसे हमने विचर के पहले एपिसोड में देखा था। इससे हमें ये पता चलता है कि येनिफर और स्ट्रेट दोनों एक दूसरे पे नजर रखे हुए है। इसके बाद येनिफर अपने रूम में अकेले बैठी हुई थी तभी उसे प्रिंसिपल टिसाय की आवाज सुनाई देती है। येनिफर उनका पीछा करती है तो देखती है कि प्रिंसिपल टिसाया कुछ स्टूडेंट्स को मैजिक के हेल्प से ईल मछली में चेंज कर रही है। टिसाया को पता था कि येनिफर उन्हें छुपके से देख रही थी इसलिए वो उसे सामने आने के लिए कहती है। टिसाया बताती है कि ये सारे स्टूडेंट्स हर टेस्ट में फेल हो रहे थे जिसके वजह से टिसाया ने उनकी पावर्स को छीन लिया और उन्हें ईल मछली बना दिया। येनिफर अपने प्रिंसिपल के ऑर्डर के हिसाब से अपने क्लासमेट्स को पानी में फेंक देती है जिससे आर्तुजा स्कूल बाहर से ग्लो होने लगता है। टिसाया समझाती है कि इन स्टूडेंट्स के पावर्स को स्कूल की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। अभी यहाँ से हम विचर की कहानी को देखेंगे जिसकी टाइमलाइन बीच के किसी समय पर चल रही है। विचर यानी गेराल्ट को गांव से निकाला गया है और वो एक बार में अकेले बैठा हुआ है। यह एक सिंगर होता है जिसका गाना सुन के बार में बैठे सारे लोग उस पर फ्रूट्स फेंक के मारने लगते हैं। उस सिंगर का नाम जेस्कियर होता है और वो गेराल्ट के पास जाके अपने सॉन्ग का रिव्यू मांगता है। गेराल्ट बताता है कि उसके सॉन्ग की कहानी में जो कैरेक्टर्स है वो रियल नहीं है जिसके वजह से लोगों को वो पसंद नहीं आते। उसी बार में गेराल्ट को मिलने एक आदमी आता है जो उसे पैसे देता है और कहता है कि उसके खेत में एक मॉन्स्टर अनाज चोरी कर रहा है। वो आदमी को पता था कि गेराल्ट एक विचर है इसीलिए वो मॉन्स्टर को पकड़ने का काम गेराल्ट को देता है। गेराल्ट उस मॉन्स्टर को मारने निकल जाता है और उसके साथ बार वाला सिंगर जेस्कियर भी आता है। जेस्कियर का कहना था कि वो अपने गाने के लिए असली कहानी और असली कैरेक्टर्स को ढूंढ रहा है जिसके वजह से वो अब गेराल्ट के साथ रहेगा और उसकी कहानी को अपने गानों में लिखेगा। ओ, मैं तुम्हारा भोपू बन सकता हूं। रिविया के गेराल्ट की कहानियां प्रसारित करने वाला कहानी होगी ब्लैक इनका कसाई। जेस्कियर बताता है कि गेराल्ट की इमेज लोगों में खराब है इसलिए जेस्कियर अपने गानों से गेराल्ट को फेमस कर देगा। वो दोनों ये बात करते वक्त एक खेत में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक क्रिएचर दिखता है। जेस्कियर को लग रहा था कि ये कोई डेविल है। गेराल्ट उस क्रिएचर को पकड़ता है तो उसे समझता है कि ये क्रिएचर बहुत ही शांत होते हैं जो सिर्फ खतरा लगने पर ही हमला करते हैं। गेराल्ट उसे पकड़े हुए था तभी गेराल्ट के पीछे से कोई उस पर अटैक करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब गेराल्ट को होश आता है तो वो जेस्कियर के साथ एक रस्सी से बंधा हुआ था। उनके सामने एल्फ प्रजाति के राजा खड़े थे जो उन दोनों को मारने वाले थे। एल्फ वही लोग हैं जिनके बारे में हमने अभी देखा। एल्फ प्रजाति वाले लोग ओरिजिनली मैजिशियन हैं पर ह्यूमंस ने सारे एल्फ को मार दिया था। उनमें से कुछ एल्फ अभी भी छुपकर रह रहे हैं और उनका राजा अपने राज्य के लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए उस क्रिएचर से चोरी करवाता था। एल्फ प्रजाति का राजा गेराल्ट और जेस्कियर को मारने वाला था पर गेराल्ट बोलता है कि वो बाकी के ह्यूमंस के जैसा नहीं है। गेराल्ट समझाता है कि ऐसे छुप छुप के रहने के बजाय कहीं दूर जाके वापस अपने राज्य को बड़ा करो। गेराल्ट उन्हें कुछ पैसे भी देता है जिनसे उनकी हेल्प हो सके।
इसलिए एल्फ का राजा उन दोनों को छोड़ देता है। इसके बाद हम सीरी की कहानी को देखेंगे जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन में चल रही है। सीरी जंगल के अंदर छुपी हुई है ताकि निल्फगार्ड के लोग उसे पकड़ ना पाए। वो खुद के बालों को कलर लगाती है ताकि वो किसी के पहचान में ना आ सके। सीरी जंगल में उगी हुई बेरीज को तोड़कर खाने वाली थी, पर एक लड़का उसे ऐसा करने से मना करता है। वो लड़का उसे इशारा करता है कि ये बेरीज पॉइजनस है। लड़के का नाम डारा होता है, जो सीरी के लिए एक चूहा मार के उसे खाने के लिए देता है। दोनों फिर जंगल के रास्ते आगे चलने लगते हैं और डारा को ठंडी लगने लगती है, इसलिए राजकुमारी सीरी अपना एक ग्लव्स उसे दे देती है। थोड़े दूर चलने पर सीरी को एक सिंड्रा राजा का रेफ्यूजी कैंप दिखता है, जिसमें जंग के वजह से इंजर्ड हुए लोग और सोल्जर्स का इलाज किया जा रहा था। सीरी उस कैंप के अंदर जाती है, पर डारा उस कैंप में नहीं आता और वहां से ही अकेले चले जाता है। यह सीरी को समझता है कि सिंड्रा राज्य की प्रजा रानी कैलेंथे को भला बुरा कह रही है, क्योंकि उसी की वजह से इन लोगों की ये हालत हुई है। सीरी को यहाँ एक लड़का मिलता है जो सीरी को अपने फैमिली से मिलाने लेके जाता है। सीरी अपना रियल नेम नहीं बताती, क्योंकि अगर उस फैमिली को पता लग गया कि सीरी ये रानी कैलेंथे की पोती है तो वो उसे उस कैंप से भी निकाल देंगे। जब रात होती है तो सीरी उसी फैमिली के टेंट में सो जाती है, पर वहाँ पर भी निल्फगार्ड के लोगों का हमला होता है। सारे लोग मारे जाते हैं और सीरी उसी टेंट में छुपी हुई थी। इतने में टेंट का पर्दा फट जाता है और बाहर वही लड़का था, यानी डारा, जो सीरी को वहाँ से भगा के लेके जाता है। हमें यह पता चलता है कि डारा भी एक एल्फ है, जिसकी बात हमने इस एपिसोड में की है। तो यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे के एपिसोड्स सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।